So guys, I'm gonna ride the Harley super low, 888. I'm out of breath, sorry. 883 cc. So from a 220 cc, mera promotion ho gaya aaj. Chalo. दोस्तों, तो आज मेरे पास हाली है, और कौन सी हाली मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले इस व्यू को देखो, कितना ज़बरदस्त व्यू है। ज़बरदस्त मतलब हम लोगों के लिए ज़बरदस्ती है, क्योंकि क्या है, मुंबई में ऐसी ऐसी जगह बहुत कम है जहाँ पे आपको ऐसे पानी दिखे। फिर वहाँ पे देखो, ब्रिज पे गाड़ी जा रही है, देखो। या सो इट्स क्वाइट अ सीनिक व्यू टू गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड एंड ऑल एंड ऑल। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि आज एक स्पेशल वीडियो है। और बाय द वे, इधर देखो, ये भी कुछ तो अलग है। ये इसको सॉल्ट पैन कहते हैं। सॉल्ट पैन मतलब ये ऑब्वियसली सॉल्ट पैन मतलब नमक का जो खेती यहाँ पे होती है। तो ये एक सॉल्ट पैन है। तो इसके लिए मैंने एक नमकीन जगह चूज़ की है, क्योंकि आज की बाइक काफ़ी नमकीन है। और ये बाइक है हार्ली डेविडसन। चेक इट आउट गाइस, ओह माय गुडनेस, लुक एट दैट। ऐसे लग रहा है कि एवेंजर जिम जाके आई है। सच में क्या क्या देखो, क्या बॉडी बनाई है गाड़ी है, ज़बरदस्त। अरे मैं भी दिख रहा है इसमें, मोटा लग रहा है इसमें मैं। अच्छा, उसका वो शेपिंग ही वैसा है इसके लिए। एनीवेज, सो दिस इज द हार्ली डेविडसन 883 सिक्वेंशियल पोर्ट इंजेक्शन। दैट्स अ प्रीटी हाई फाई टर्म। इसको हम चलाएंगे, इसको हम रिव्यू करेंगे, इसका हम मज़ा उठाएंगे। इसको प्राइस पॉइंट इंडिया में 6,21,000 है ऑन रोड प्राइस, लेकिन ये बाइक को डिसकंटिन्यू किया गया है क्योंकि ज़्यादा सेल्स नहीं हुए ये बाइक के और फैट बॉय के। तो फैट बॉय भी थी 2016 में, इनको डिसकंटिन्यू किया गया। तो आज ये बाइक मेरे पास है, और किस वजह से है, इस वजह से है, इन्होंने ला के दी है बाइक। ये है शैलेंद्र, मेरे दोस्त है। तो थैंक यू शैलेंद्र, आपने बाइक लाई। ये गाड़ी भी मेरा नहीं है, ये मेरे। अच्छा, ओह, ये तो एक बहुत बड़ा चेन है ये। हाँ। हम चेन ऑफ फ्रेंड्स। तो इनके दोस्त ने, हाँ, और ये सर की रिव्यू करने की वजह से मैंने इसको। अच्छा अच्छा, ये मैं रॉन्ग साइड पे ले रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे डाल के सर। नहीं नहीं नहीं, तो इनके फ्रेंड की बाइक है। इन्होंने इनके इनके फ्रेंड ने बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, दिल के पत्थर रख के ये बाइक हमको दी है। ये सब ट्रक्स को आज ही यहाँ से आना था कि ये रोज़ आते हैं, बहुत आवाज़ आ रही है ट्रक्स की। तो एनीवेज, तो थैंक यू आपके दोस्त को भी और आपको भी, आपने ये बाइक हमारे छोटे से चैनल के लिए दी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलो, मैं थोड़े से फ़ोटो खींच लेता हूँ ये बाइक के। लुक एट इट्स, इट लुक्स सो गॉर्जियस यार। और मेन बात ये है कि ये बाइक है ना, एकदम कंफर्टेबल लगती है मेरे को। तो स्टार्ट करो, तो सीक्वेंशियल। ओ ओ ओ, जरा थ्रॉटल पे ट्विस्ट करो। तो आप देख सकते हैं, इन्होंने
स्टॉक एग्जॉस्ट को मॉडिफाई नहीं किया है, मतलब वही एग्जॉस्ट रखा है। तो चलिए शैलेंद्र जी आप आगे बढ़िए, हम हमारी सवारी पे आते हैं। दैट्स माय बाइक देयर 220 cc वेट 83 cc। चलो हम अपनी सवारी पे बैठ जाते हैं। 2.6 liters oil capacity, it's got a 17 liter tank and you have that signature Harley writing on the tank and it looks quite nice. He has removed the pillion piece, so these bikes are meant to be ridden solo. रुका के ना इसका शूटिंग करना है, रुका के। एक सेकंड होल्ड कर, बंद कर बंद कर बाइक बंद कर। ओके सो गाइस व्हाट द थिंग इज, आई एम थिंकिंग ऑफ सम वे टू शूट दिस वीडियो एंड राइट नाउ आई हैव नो प्लानिंग, आई हैव जस्ट कम आउट हियर एंड यू नो रैंडमली स्टार्टेड शूटिंग इट, सो काइंडली बेयर विद मी। वेल हार्ली डेविडसन का स्टोरी मैं बताने जाऊँ आपको, तो हार्ली डेविडसन एक कंपनी का ओवरनाइट सक्सेस नहीं हुई। ओके ये कंपनी को बनने में बहुत सारे साल लगे, यू नो डेकेड्स हैव पास्ड टू मेक दिस बाइक, टू मेक दिस बाइकिंग कंपनी व्हाट इट इज़ टुडे। टू गिव यू अ ब्रीफ इनसाइट इनटू हार्ली डेविडसन हिस्ट्री, वेल हार्ली डेविडसन ये कंपनी पहले हुआ करती थी बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग में, तो बाइसिकल के पार्ट्स लाइक साइकिल्स के पार्ट्स वो सब मैन्युफैक्चर करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने आई थिंक 1903 में एक बाइक एक मोटरसाइकिल बनाई, तो फर्स्ट हार्ली डेविडसन। और ऐसे कहा जाता है कि वो मोटरसाइकिल के चार ओनर थे, मतलब इन द कोर्स ऑफ टाइम चार ओनर्स थे वो बाइक के, और अब लगभग 86,000 माइल्स वो बाइक ने क्लॉक किए। 86,000 माइल्स को कन्वर्ट किया जाए तो किलोमीटर्स में होता है लगभग 1,50,000 किलोमीटर्स के आसपास, तो इतना वो बाइक चली जो पहली हार्ली डेविडसन की थी, तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्वालिटी हुई होगी वो बाइक की। एनीवेज तो हार्ली डेविडसन अपने इंडियन मार्केट में भी कुछ साल पहले आई, लेकिन क्या हुआ कि इंडियन रोड कंडीशंस के लिए इतना वो सूट नहीं हुई, क्योंकि यू नो अपने तो पॉट होल्स इतने हैं, फिर ट्रैफिक इतनी होती है, तो बेसिकली हाई कंप्रेशन इंजन होता है तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, तो यही वो बाइक की प्रॉब्लम है। और यही रीज़न है कि, और बीच में क्या हुआ था कि इनका ब्रेकिंग, ये ब्रेक्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे हार्ली डेविडसन में, तो उन्होंने ये बाइक्स यू नो आई थिंक यू नो डिसकंटिन्यू कर दिए, ये बाइक तो डिसकंटिन्यूड ही है। तो ये एक सैड स्टोरी है, बिकॉज आई जेन्युइनली लव क्रूजर्स एंड आई विश इंडिया हैड लाइक बेटर रोड्स टू राइड दीज बाइक्स ऑन। आई मीन नॉट हाईवेज, हमारे बहुत अच्छे हैं हाईवेज तो अच्छे ही है, लेकिन क्या होता है सिटी में यू नो फॉर अस, फॉर पीपल लाइक अस, वी नीड गुड रोड्स इन द सिटी ऑल्सो, यू नो बिकॉज दीज आर लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम यू बाई बाइक्स लाइक दीज, यू फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम ड्रीम टू बाई अ हार्ली डेविडसन। एंड दिस बाइक इज़ अराउंड 6 lakh rupees, बट 6 lakh इज़ ऑल्सो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो एनीवेज गाइज तो ये अपनी बाइक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओके सो गाइज ये बाइक के फीचर्स आप देखोगे तो ये बाइक में बहुत सारे फीचर्स है, और मेन तो क्या है, ये एक प्रॉपर क्रूज़र है, एक लॉन्ग रोड बाइक है। तो ये बाइक में फ्यूल गेज इंडिकेटर लाइक फ्यूल लो रहेगा तो वो फ्लैश होएगा, लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, फिर ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, वो जो ऑल एवरीथिंग ऑल द निक नैक्स सब है बाइक में। ये बाइक में सब कुछ है, लाइक लो प्रेशर, फिर लो फ्यूल इंडिकेटर, फिर इंजन टेम्परेचर, ऐसे बहुत ऑयल टेम्परेचर गेज, इंजन टेम्परेचर गेज, तो ये सब चीज़ें हैं ये बाइक में। तो इसके वजह से आपको यू कैन कीप अ टैब ऑन थिंग्स, और ज़्यादा आपको यू नो ऐसे नहीं है कि ये बाइक आपको
फंसा देगी और एनीथिंग, आपको पहले ही वार्निंग दे देगी बाबा कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है, तो इस वजह से अच्छी है। अरे हाँ, तो आप लोग तो कुछ शाने लोग मेरे को बोलेंगे अरे तुम्हारा ये किधर है, टेल लाइट किधर है, तुम्हारा नंबर प्लेट किधर है, लेकिन भाई ये बाइक है ना एक्चुअली इसको बना रहे हैं, मतलब अभी नए 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 चीज़ें इसको लगाने वाले हैं, तो वो आने वाला है नया नया, एक टेल लाइट आने वाला है और सब एवरीथिंग, तो LED लाइट्स वो सब लगाने वाले हैं वो, और यहाँ पे भी जो इंडिकेटर लाइट्स है वो सेम रहेंगे आई थिंक, इधर के इंडिकेटर लाइट्स सब लगाने वाले हैं, तो एकदम चकाचक बनाने वाले हैं। लेकिन और क्या बोल सकते हैं बाइक के बारे में, और है और हाँ, और एक चीज़ इसमें ये है कि इसमें ना ये है अपना सीक्वेंशियल पोर्ट इंजेक्शन, तो इसके वजह से क्या होता है कि अपना ये बेसिकली ये माइलेज के लिए होता है, अपना ऑप्टिमम माइलेज मिलने के लिए ये सिस्टम है। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसीजर टू स्विच द बाइक ऑन। ओके, ऑन कर। ऑल राइट, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड लाइट आ गई जो चली जाएगी अभी। ओके, गई। ऑल राइट, अभी रन, इधर एक बटन है रन स्विच ऑन करने का, करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक येलो कलर की लाइट है। ओके, वो बंद हो गई। अभी आप सेल्फ स्टार्ट प्रेस करो। सो ये वो प्रोसीजर है जो पहले तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि हम तो बेसिकली बहुत सिंपल बाइक्स चलाते हैं, तो अभी इसमें ऐसा सिस्टम है। तो ये हमारी बाइक। अच्छा, आपको एग्जॉस्ट नोट सुनने को देता हूँ। लेट्स हियर द एग्जॉस्ट नोट। तो ये एग्जॉस्ट नोट है अपनी हाल ही 883 सुपर लो का। इसका मतलब आप क्या आप सोच सकते हो कि इसको एक आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम अगर लगा दिया आपने तो इसका क्या ज़बरदस्त आवाज़ आएगा। स्टॉक में इतना अच्छा आवाज़ आ रहा है तो आप समझ सकते हो। ओके, कट इट। ऑल राइट, सो एनीवेज गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गेटिंग द बाइक। सो इट्स अ वेरी हॉट डे इन मुंबई एंड स्टिल यू आर लाइक शूटिंग द बाइक। एनीवेज गाइज, सो दिस इज फैब्रिक ऑन द बाइक सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आई विल प्रोबेबली मोटर व्लॉग ऑन दिस बाइक लाइक for a couple of minutes just to get the feel of it and just to tell you like how I'm feeling riding this bike. So see you in that video. Okay, so thank you for watching guys, bye bye, take care.